तो दोस्तों कोरमा तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा डिलीशियस डिश होती है, और जब भी आप पुरानी दिल्ली में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही फेमस डिश मिलेगी। तो ये डिश आज हम बनाने वाले एकदम 100% वेज फॉर्मेट में बाय यूजिंग पनीर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पनीर की पीसीस को मैंने कुछ इस शेप में कट कर लिया है और अब मैं उसको फ्राई करने जाऊंगा। अगर आपको फ्राइड पनीर पसंद नहीं है तो आप उसको नॉर्मल भी रख सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको फ्राई ही करना है। थोड़े से गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है बाहर, और इसके बाद हम एक बाउल लेंगे जिसके अंदर हम पानी डालेंगे और उसके बाद उसमें मिर्ची ऐड कर देंगे। अब यहीं पे इस मिर्ची को जो भी आपने बनाया है इसके अंदर आप अपने फ्राइड पनीर को डाल के रख देंगे, और ये पनीर तब तक रहेंगे जब तक हमारी डिश पूरी प्रिपेयर नहीं हो जाती। तो आ जाते हैं उसके अगले स्टेप पे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लेके उसके अंदर तेल डाला और उसमें प्याज जो है वो थोड़े से फ्राई कर लिए, शेलो फ्राई कर लिए, और उसके ऊपर से ही टमाटर भी डाल दिए थोड़ी देर बाद। अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको इसके अंदर काजू डालने हैं, और अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा ये डालें ताकि आपके जब खाने के बीच में थोड़े थोड़े काजू के जो पीसीज आएंगे वो आपको बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे। चलिए फिर इसके बाद आपने डाल दिया है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब इतना करने के बाद आपको 2 मिनट पकाने के बाद आपको यहाँ पे इसको साइड में कर लेना है एकदम, ताकि इसका तेल सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसको तेल को पूरे मतलब जितने भी प्याज थे उनको प्लेट में निकाल लिया है। अब आपको इन प्याज़ों को लाना है और एक मिक्सी के अंदर सारे प्याज को अच्छे से डाल दीजिएगा। अब इसको बंद करके थोड़ा सा मिक्सी आपको चला लेनी है। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे आपको कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लौंग, इलायची, गोल मिर्च और दालचीनी। इनको डालने के बाद अब हम बेसिक मसालों को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला है, अब मैं इसमें नमक, मिर्ची और यहाँ पर हल्दी भी ऐड कर दूँगा। अब ये सारी चीज़ें 1 से 1.5 चम्मच के करीब डालने के बाद इसको पूरे अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरे जितना भी हमने मसाले डाले सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिला दीजिएगा तेल के अंदर ही। और ये करने के बाद हमने जो प्याज को अभी हमने जो प्याज को मिक्सी में डाला था उसी प्याज को हम वापस इसी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और ये हमारा मसाला एकदम बढ़िया से तैयार हो रहा है। साइड में थोड़ा सा ना यार अपनी जो मिक्सी है ना उसमें से पूरा टोटल जितना भी आपने प्याज बनाया था सारा निकालने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी डाल के शेक करके इसमें वापस डाल दीजिएगा, ताकि आपका पूरा प्याज जितना भी है वो यूटिलाइज हो जाए अच्छे से। अब इसी मिक्सचर को मैंने 2 मिनट तक लो गैस पर छोड़ा है, और उसके बाद आप कुछ इस टाइप का मटीरियल रेडी हो जाएगा। अब टाइम है दही डालने का। यहाँ पर मैंने डाल दी है थोड़ी सी दही, उसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है ग्रेवी में, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी क्रीमी बन जाए और थिक हो जाए। अब इसको इसी तरह से हम मिक्स करेंगे थोड़ी देर तक, लाइक 2 मिनट्स तक करेंगे, उसके बाद ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे ग्रेवी का टेक्सचर आते हुए आपको दिखेगा बढ़िया से। अब जो पनीर हमने स्टार्टिंग में बनाए थे ना उन्हीं पनीर को हम उठा के देखेंगे, बार देखना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो आप फ्राई करते हो ना पनीर वो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन ये वाले पनीर काफ़ी आपको सॉफ्ट और बढ़िया टेक्सचर के मिलेंगे। अब इसी को आपको पुट कर लेना है अंदर, एंड बढ़िया से पनीर को थोड़ा सोक होने का टाइम देंगे यहाँ पे। एंड इतनी देर में मैंने यहाँ पे मिर्ची ऐड कर दी है, और इसको थोड़ा सा हम ढक के रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा पनीर बढ़िया से सोक कर ले ग्रेवी को। लाइक मैं 2 मिनट्स दूंगा इसको, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे चलिए अब रेडी हो चुका है पनीर। ऊपर से मैं थोड़ी सी बिरयानी डाल दूंगा, बिरयानी आपको पता ही होगा थोड़े से प्याज होते हैं जिनको मैंने साइड में अलग से फ्राई करके डाल दिया है। इसके बाद कुछ बादाम जो होते हैं उनके फ्लेक्स हम डालेंगे, आलमंड फ्लेक्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो चलिए अब मैं इसमें डालूंगा केवड़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये जो इंग्रेडिएंट है ना केवड़ा, ये आपके कोरमे को डिफाइन करने में हेल्प करेगा, यानी कि कोरमे की जो खुशबू होती है ना वो इसी से आती है मेन।
तो ये डालना बिल्कुल भी मत भूलना यार, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वरना आपके कोरमे में खुशबू नहीं आ पाएगी वो वाली। तो चलिए, इतना करने के बाद हमने इसको निकाल लिया है बाउल में और आपको आपको आउटकम्स दिख रहे हैं कि हमने कैसा बनाया है। मैं तो होप करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और आप ज़रूर बना के ट्राई करेंगे इसको। और ये काफ़ी ईजी भी है कंपेरेटिवली देखा जाए तो, इतना कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, काफ़ी आसान चीज़ है बनाने में, काफ़ी आसान रेसिपी है। और लिटरली इसको मैंने ट्राई करा खा के, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा था। इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देखिए आप, एकदम ग्रेवी के बीच में आपको थोड़े से काजू भी आएंगे मुँह में, बादाम भी आएंगे, और जो प्याज का टेक्सचर बना है ग्रेवी का, लेकिन उसने कोरमे को अच्छे से डिफाइन कर दिया है। इस रेसिपी को बना के आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको और कोई सजेशन देने है किसी और रेसिपी का तो आप वो भी दे सकते हो, मैं आपके कमेंट्स रीड करूँगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।